तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब स्टोरी में। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेवी MRSSR AA रिजल्ट डेट घोषित। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट डेट है घोषित कर दिया गया है। ये अपडेट आज ही का निकल का हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लें, कब जान लें कब आएगा आपका रिजल्ट, पूरी जानकारी इस वीडियो में। आपको रिजल्ट कैसे चेक करना होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था। जैसे फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन नेवी सोल्जर रिजल्ट 2019 से यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, SSR 02 2020 बैच का है। तो फ्रेंड्स, अभी SSR का मैं बता रहा हूँ, आगे आपको बता दूंगा MR का रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा इंडियन नेवी सोल्जर रिजल्ट 2019। और आगे फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं इसमें आपको टोटल कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10,000 कैंडिडेट को इसमें पास किया जाएगा जो फ्रेंड्स PFT में भाग लेने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं इसके बैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था 02 2020 इसका बैच रह जाएगा। वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई, कब कब से कब फॉर्म को भरा गया था, यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी थी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर ले एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कैसा था। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 16 से 21 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चला था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका जो एग्ज़ाम चला था, आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा 16 से 21 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम चला था। काफ़ी दिन हो गया फ्रेंड्स, लेकिन रिजल्ट का अभी वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा मैं आगे आपको बात कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, DTN PFT उसके बाद मेडिकल, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप इसको सही से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर लेता हूँ रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं आपसे यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड इंडियन नेवी सोल्जर रिटर्न रिजल्ट 2019 02 2020 बैच हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अवेलेबल टिल 20 अक्टूबर 2019। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सही से देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि आपका जो रिजल्ट रहेगा 20 अक्टूबर तक का आएगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था ये फेक है, ये गलत बता रहा है, 10 तक का रिजल्ट आ जाएगा, 8 तक रिजल्ट रहेगा, 12 तक रिजल्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 10 बीत गया, 8 बीत गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका लगभग 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें भी आपको यही बताया था, लेकिन आप लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपको बनाया फिर से। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा कब दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अवेलेबल हो जाएगा आपको 17 जनवरी 2020 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप इसको सही से देख लीजिएगा आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैसे चेक करना होगा, यहाँ पर आपको बताया गया, मैं आगे आपको चेक करके बता दूंगा कि अभी कैसे आपको चेक करना होगा। मैं लॉगिन करके ID आपको दिखा दूंगा। यहाँ फ्रेंड्स, आपको इंडियन नेवी SSR रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल सुन दिखाया जा रहा है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं MR का। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी MR रिजल्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन नेवी MR रिजल्ट 2019 आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन नेवी MR मेरिट लिस्ट 2019। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसमें कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1600 कैंडिडेट को इसमें आपको पास किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, कब से कब इसका फॉर्म भरा गया था, बैच क्या था, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको पता ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम कब से कब चला था आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे आने के बाद इसके रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेम वही डेट को यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है रिटर्न एग्जाम रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अवेलेबल टिल 20 अक्टूबर 2019। ये भी आपका 20 अक्टूबर तक आ जाएगा आपका रिजल्ट, लगभग 20 अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आ सकता है या 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कन्फर्म डेट है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए इसका जो मेरिट लिस्ट है 21 फरवरी का इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, आप इसको सही से देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक करना होगा। तो चलिए मैं अभी ऑफिशियल साइट पर चलता हूँ इसका।
तो फ्रेंड जैसे देख रहे हैं मैंने लॉगिन पेज पे आ गया, यहाँ पे इंडियन नेवी का लॉगिन पेज पे आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ से लॉगिन करके आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं मैं लॉगिन पेज पे अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लिया और सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद फ्रेंड्स लॉगिन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये लॉगिन हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो नीचे आने के बाद फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे थे मैंने पिछले साल जो अप्लाई किया था यहाँ पे मिल जाएगा कब अप्लाई किया था, डेट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप व्यू करेंगे मैं पिछले साल का आपको दिखा देता हूँ। व्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा जो पिछला साल का था। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरा नाम देखने को मिल जाएगा। और आने के बाद फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये पिछला साल का, ये अभी का नहीं है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इस साल को, आप इस साल वाला आपको कैसे चेक करना होगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे SSR का मिल जाएगा, यहाँ पे MR का मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले SSR पे आपको व्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स व्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शो करने लगेगा आपका रिजल्ट। आप चेक कर लीजिएगा यहीं पर आपका कटअप भी शो करने लगेगा। सेम ऐसे ही MR का भी होगा फ्रेंड्स, जैसे रिजल्ट आएगा यहाँ पर आप क्लिक करके व्यू पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ।